हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन जयपुर से स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे जंपर्स नी के बारे में। जंपर्स नी या पटेला टेंडिनाइटिस क्या होता है ना? जंपर्स नी ये होता है कि जो हमारे पटेला के टेंडन है ना, ये हमारा पटेला का बोन हो गया, ये क्वाड्रिसेप्स का मसल हो गया और ये पटेला टेंडन हो गया। तो जब भी हम जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जब भी हमारे घुटने पे प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है तो हमारा जो बॉडी का प्रेशर है वो हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल से होते हुए, पटेला बोन से होते हुए, पटेला टेंडन से होते हुए इस बोन पे जाके फिर नीचे जाता है। ठीक है, तो सारा लोड जो होता है वो इस एरिया में आना शुरू हो जाता है। और अगर किसी की एक्टिविटी में जंपिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे जुम्बा करना या एरोबिक्स करना, या आपका जंपिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे केसेस में इसमें कंटिन्यू प्रेशर से खिंचावट होना शुरू हो जाती है और इस टेंडन के एंड में और इस हड्डी में सूजन आ जाती है और इसको हम कहते हैं पटेला टेंडिनाइटिस या जंपर्स नी, है ना, या रनर्स नी, है ना। तो ऐसे केसेस में पेशेंट बहुत टाइम से पहले तो बिल्कुल ठीक होते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो भागना शुरू करते हैं, रनिंग करते हैं या जंपिंग करते हैं, तो उनका बहुत सीवियर पेन होता है और वो चल ही नहीं पाते और बाद में उनकी हालत ख़राब हो जाती है और उनको बैठ के कंटिन्यू वेट करना पड़ता है और उनके गेम्स में उनको बहुत टाइम तक उनका टाइम वेस्ट होता है कि भाई वो खेलने में जा नहीं सकते, क्योंकि खेलने जाते हैं फिर पेन हो जाता है, फिर रुकना पड़ता है, फिर चले जाते हैं, फिर रुकना पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ऐसे केसेस में इनिशियल फेजेस में ट्रीटमेंट है प्राइस, जैसे प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट मतलब अपने को जिससे ये प्रॉब्लम हो रही है जंपिंग रनिंग से, उस टाइम पे उसको प्रोटेक्ट करके नहीं करना है, रेस्ट करना है। कब तक रेस्ट करना है? जब तक इसका पेन कम नहीं हो, है ना, और उसकी सूजन कम नहीं हो, और वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 7 से 10 दिन लेगा ही लेगा। इमिडिएटली हम सोचेंगे कि 1-2 दिन में दवाई खा के हम चले जाए, मूवमेंट में वापस से चले जाए, रनिंग कर ले और हम ठीक हो जाए, तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड, बिकॉज पेन किलर सोल्यूशन नहीं है। पेन किलर तो सिर्फ आपके सिम्टम्स को दबा सकता है, बट जो एक्चुअल हीलिंग होनी है, जो एक्चुअल सूजन आ गई है, जो एक्चुअली वहाँ पे उसमें इतनी इंजरी हो गई है, अगर वो ठीक कराना है तो आपको बॉडी को उतना टाइम देना पड़ेगा हील होने के लिए, रिकवर होने के लिए, है ना। आइसिंग या कूल पैक्स लगाओ जिससे सूजन कम हो जाए, कंप्रेशन कोई गर्म पट्टी बांध लो ताकि जो स्वेलिंग आई हुई है उससे थोड़ी कमी हुए, और थोड़ा सा एलिवेट करो ताकि सूजन कम हो जाए। ये तो इनिशियल फेज हो गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली क्या होता है कि पटेला टेंडन पे प्रेशर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके क्वाड्रिसेप्स के मसल्स भी कमी हो या वो भी वीक हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये मसल्स को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा और जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है जिसमें रनिंग हो, जंपिंग हो, वो इनिशियली आपको पहले वार्म अप करना पड़ेगा। और वार्म अप ऐसा करे जैसे जिसपे कॉन्टैक्ट वाला स्पोर्ट्स नहीं हो, जैसे कि साइकिलिंग हो गई, कि स्टैटिक साइकिलिंग कर लो, बाहर वाली साइकिलिंग कर दो, आपका वार्म अप करके टेम्परेचर बॉडी का 1 डिग्री बढ़ा दो जिससे आपको थोड़ा सा पसीना आ जाए, आपका दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ जाए, उसके बाद में आप अपने जो भी एक्सरसाइजेस है उसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करो, जिससे जो पटेला में टेंडन में जो आपकी सूजन है वो इमीडिएटली नहीं आए और आपकी इमीडिएटली वो बढ़ती नहीं जाए। तो इसलिए ये ट्रीटमेंट जो होती है दिस इज अ लिटिल पेनस्टेकिंग और थोड़ा सा लॉन्ग होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, बट अगर आपने चीज़ें गाइडेड तरीके से ली और शॉर्टकट में नहीं जाए कि भाई मेडिसिन ले ली फिर हम खेलने लगे, फिर मेडिसिन ले ली फिर खेलने लगे, ये सिस्टम नहीं करे तो ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। नी की एक्सरसाइजेस भी होती है जो मसल्स को स्ट्रांग करती है, रिहैबिलिटेशन होती है, फिजियोथेरेपी होती है जो आपको रेगुलरली करनी चाहिए, और आपको आलती पालती मारना, उकड़ू बैठना, स्टेप्स क्लाइंबिंग करना, ऊपर करना, क्योंकि वो नी को प्रेशराइज करेगा, तो वो सिस्टम आपको कम से कम रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप अगर करते रहोगे कंटिन्यूसली तो डेफिनेटली 2-3 महीने में रिजल्ट्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, फिर ये रेगुलरली पेन होना बंद हो जाएगा आपका और आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा। बहुत बार, बहुत टाइम बाद 3 महीने तक भी आपने कर लिया फिर भी आपको तकलीफ होती है, तो कभी कभी ये टेंडन के अंदर जो फैट होता है उसमें सूजन हो जाती है, तो ऐसे केसेस में हम दूरबीन डाल के, आर्थ्रोस्कोपी डाल के वो फैट को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं और उसका जो हड्डी में सूजन है वो थोड़ी सी क्लियर कर देते हैं, है ना, तो इससे भी आपका पेन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आई होप आपको रनर्स नी, जंपर्स नी और पटेला टेंडिनाइटिस के बारे में कुछ जानकारी मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि और लोगों को पता चले हमारे जो एथलीट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत होती है बट वो बोलते नहीं है, या अपने ही कोचेस से या अपने ही कोई लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके उसको अनदेखा कर देते और ये फिर आगे इनके लिए बहुत तकलीफ देती है। थैंक यू सो मच।